आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन ये भारत के इतिहास का पहला केस था जब भारतीय नौसेना की इस 23 साल की अधिकारी के पहले दिन ही इस पर ऐसा अटैक होता है जिसकी निंदा पूरा देश करता है, और मुंबई जैसे भीड़भाड़ इलाके में वो मुजरिम इसको खुलेआम अंजाम देता है। और ये भारत का एक ऐसा केस था जिसको हर एक लड़की ने अपने साथ कनेक्ट कर लिया था। और ये हादसा भारत के इतिहास का एक ऐसा हादसा था जब कोई लड़की अपनी जॉब के पहले दिन अपने ऑफिस में जाती है और उस पर अटैक होता है। चलिए जानते हैं कि इस लड़की पर अटैक करने वाला आखिर वो इंसान कौन था और उसके साथ भारत सरकार ने क्या किया। जी हां, ये कहानी है प्रीति की, जिन्होंने दिल्ली से नर्सिंग का कोर्स किया था और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। और प्रीति ने कड़ी मेहनत के साथ नेवी में इस जॉब को पा लिया और उनकी सफलता से पूरा परिवार खुश था। और प्रीति को मुंबई के कोलाबा में INS ऑफिस में सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिली थी 1 मई 2013। और आज से ही इस हादसे की शुरुआत होती है जब प्रीति निजामुद्दीन से मुंबई के लिए निकलती है अपने पापा, चाचा और चाची के साथ। वो नहीं जानती थी कि उसी ट्रेन में एक ऐसा इंसान बैठा है जो उनको लगातार ट्रेन में घूर रहा है, और इस बात का शक उसके परिवार वालों को भी होता है। लेकिन ये सब लोग इसको इग्नोर करके चुपचाप ट्रेन में बैठे रहते हैं। और अगले ही दिन सुबह 8 बजे ट्रेन बांद्रा स्टेशन में पहुंचती है। ये चारों ही लोग बांद्रा स्टेशन पे उतरते हैं और उसके बाद बाहर आने के लिए चल पड़ते हैं। प्रीति थकी होने के कारण सबसे पीछे होती है क्योंकि प्रीति का ये पहला सफर था जब वो अपने घर से इतनी दूर पहली बार आई थी। लेकिन प्रीति को चलते चलते एहसास होता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, और जैसे ही प्रीति पलटती है तो ये देखती है कि ये वही इंसान है जो कि उनको ट्रेन में लगातार घूर रहा था। और वो पलक झपकते ही प्रीति के मुंह पे एसिड अटैक कर देता है। लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिसने भी इसको देखा वो देखकर हैरान हो गया। लेकिन एसिड अटैक करने वाला इंसान वहां से भाग पड़ता है। ये हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि प्रीति के दर्द को पूरा देश महसूस कर रहा था, प्रीति की आवाज तक चली गई थी। और पुलिस के सामने इतना बड़ा चैलेंज आ गया था कि आखिर वो मुजरिम को पकड़ेंगे कैसे। और देखते ही देखते ये मुद्दा पूरे देश में छा गया। हर राज्य की लड़की, लड़का, बड़े बुजुर्ग और बच्चे इस केस के साथ जुड़ चुके थे, और कहीं ना कहीं इस हादसे को हर एक लड़की ने अपने साथ जोड़ लिया था। 4 मई 2013 को प्रीति की बहन पर एक कॉल आता है पवन कुमार का। वो पूछता है कि प्रीति कैसी है। उसके बाद प्रीति की बहन कुछ नहीं बोलती, वो फोन काट देती है। उसके पापा इस बात को पुलिस तक पहुंचाते हैं। इस फोन के बाद पुलिस उस स्केच को देखती है जो कि उन्होंने गवाहों के आधार पर बनाया था, और कहीं ना कहीं प्रीति ने अपने बयान में पवन का नाम लिया था, तो पुलिस को शक था कि ये वही इंसान है जिसने प्रीति पे अटैक किया है। और 9 मई 2013 को पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और दूसरी जगह प्रीति की हालत खराब होने के कारण उसको बॉम्बे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और प्रीति उस वक्त वेंटिलेटर पे चली जाती है, और पूरा देश प्रीति के लिए प्रार्थना कर रहा होता है क्योंकि इस अटैक को हुए 2 महीने हो चुके थे, और 1 जून 2013 को प्रीति की धड़कन रुक जाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। प्रीति तो ये दुनिया छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसका मुजरिम अभी तक नहीं पकड़ा गया था। प्रीति के पिता पुलिस वाले को बताते हैं कि इन्होंने जिस इंसान को गिरफ्तार किया है वो उस दिन मुंबई में नहीं रोहतक में था, और उन्होंने गलत इंसान को गिरफ्तार किया हुआ है। जैसे ही खबर मीडिया में आई उसके बाद पुलिस प्रशासन पे सवाल उठने लगे, क्योंकि जब पुलिस ने पवन कुमार के फोन को चेक किया तो उसकी लोकेशन हादसे वाले दिन रोहतक में दिखा रही थी। कोर्ट में प्रीति के पिता के अनुरोध पर यह मामला मुंबई CID के पास चला जाता है, और मुंबई CID डायरेक्ट उसके बाद आते हैं प्रीति के घर दिल्ली, और वो उनके रिश्तेदारों से पूछना शुरू करते हैं। तब एक नाम निकल के आता है अंकुर पवार का, जो कि प्रीति से एक तरफा प्यार करता था और कहीं ना कहीं उसने प्रीति को शादी के लिए बोला था, लेकिन प्रीति उसकी बात को नहीं मानती और इनकार कर देती है। और उसके बाद पुलिस अंकुर का पता लगाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। और जब अंकुर से पूछा जाता है कि 2 मई 2013 को आप कहां थे, कहीं ना कहीं उसके जवाब में झूठ झलक रहा था। और पूछताछ के दौरान जब पुलिस वाले देखते हैं कि अंकुर का हाथ थोड़ा सा जला हुआ है, और ये कहीं ना कहीं वैसा ही दिख रहा है जैसे एसिड अटैक के बाद होता है। और यहां पर जब पुलिस सख्ती के साथ अंकुर से पूछताछ करती है तो अंकुर इस चीज को कबूल लेता है कि उसी ने ही एसिड अटैक किया था। 2 मई 2013 को अंकुर के फोन की लोकेशन भी मुंबई में थी। अंकुर बताता है कि वो बेरोजगार था और वो प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसको पता था कि प्रीति डॉक्टर बन चुकी है और उसकी नेवी में जॉब लग गई है, और प्रीति उससे प्यार भी नहीं करती, ना ही वो उससे शादी करना चाहती है। और इसी वजह से वो प्रीति से चिढ़ने लगता है, और वो तय करता है कि वो जॉब पे जाने से पहले प्रीति के ऊपर एसिड अटैक करेगा ताकि उसके पास ये जॉब भी ना रहे और ना ही उससे कोई शादी करे। और ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा था जब किसी एसिड अटैक करने वाले को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। लेकिन प्रीति के दर्द के सामने फांसी की सजा भी बहुत कम थी। वैसे आपका इस कहानी के बारे में क्या बोलना है कि कोई भी इंसान किसी से जबरदस्ती एक तरफा प्यार करे और अगर वो प्यार ना मिले तो क्या इस इंसान को ऐसा अधिकार है कि वो किसी और की जान ले ले या उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और सभी महिलाओं से यह अनुरोध है कि ऐसे इंसानों से सतर्क रहें जो कि अक्सर उनका पीछा करते हैं। अगर ऐसा कोई आपके साथ करता है तो इसकी कंप्लेंट पुलिस में जरूर करें।